हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एलटीआई माइंडट्री के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 12th दिसंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट में। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने सीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एलटीआई में, यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 3.44% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। क्लोजिंग यहाँ पे 4401.75 है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारे को ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ऑलरेडी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमने जो है वॉल्यूम और यहाँ पे कैंडल की बात करें तो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम आपको बताया था स्टॉक हमें गिरते हुए देखने मिला और कुछ इसी तरह से लगातार जो स्टॉक हमें गिरते हुए भी देखने मिला है। कैंडल यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे एवरेज सा वॉल्यूम जरूर देखने मिला। कैंडल एक मीडियम साइज की है, दोनों के साइड में छोटी छोटी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की 32-33 के आसपास जो हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का अभी भी है। थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड मोमेंट देखने मिले, ज्यादा नहीं अभी देखने मिले, थोड़ा सा यहाँ पे जो है मूवमेंट अराउंड जो है 40-86 के आसपास गिरते हुए देखने मिलेगा। वहां से हमें रिवर्सल में स्टॉक आते हुए देखने मिलेगा। रिवर्सल में स्टॉक सबसे पहले 43-66 के आसपास जो है अपसाइड मूव देगा। अगर उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में 45-33 के एक अपसाइड मूव जो है इजिली देखने मिल जाएगा। लेकिन ये जो अपसाइड मूव होगा वो टेम्परेरी होगा, वो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड जो है वो कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल 20 में जो क्रॉस करने ही जा रहा है 50 में को, एटलीस्ट दो दिन तक यहाँ पे मैं आपको कहूँगा जरूर थोड़ा सा वेट करें। आपको यहाँ पे जो है पता चल जाएगा कि कंफर्मेशन किस साइड का आ रहा है, पॉजिटिव साइड का रहा है या फिर नेगेटिव ट्रेंड का। तो नेगेटिव ट्रेंड हमें जरूर जो है एक्सपेक्टेड है यहाँ पे होने का। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड मूव के बाद जो है 4-5 दिन के बाद जो वापस से फिर स्टॉक जो बढ़ा एक डाउनफॉल जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको जरूर जो ध्यान में रखना है और यहाँ पे कॉशियसली स्टॉक में काम करना है। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे रिसेंटली हमने स्टॉक का एनालाइज किया था, वहाँ पे हमने आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स वो ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मैं वापस से वही चीज़ रिपीट नहीं करूँ क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको जरूर जो है कहूँगा कि वो लास्ट वाला आप जो है हमारा वीडियो देख ले ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि क्या शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए लेवल्स है और किस टाइम पे जो आपको वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए वो भी हमने आपको बताया है। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है दे दिया है, जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन मतलब यहाँ पे मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी कुछ यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जोन जरूर जो है मार्क है। लेकिन क्योंकि स्टॉक में जो है बहुत ज़्यादा डाउन साइड आ चुका है तो यहाँ पे हमने जो है उस रेंज में जो मार्किंग नहीं की थी, बीच में हमने सिर्फ एक ही दिन जो है स्टॉक का एनालाइज नहीं किया था, बाकी हमने लगातार 1-2 दिन तक जो है स्टॉक का एनालाइज किया था। तो वहाँ पे हमने इसलिए मार्किंग जो है एक्स्ट्रा कर दी थी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं वो मार्किंग जो है जरूर करके दे देता हूँ ताकि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम कभी भी इस रेंज में स्टॉक आए तो आपके पास जो है हमारी दी गई जो है मार्किंग हो जिसकी मदद से आप अपना एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेड ले सके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग जो है ऊपर के साइड में कंप्लीट हो चुकी है, नीचे के साइड में थोड़ी सी जो है यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मार्किंग करके दे देता हूँ ताकि और जो है स्टॉक नीचे आए तो यहाँ पे आप इसको जो है यूज कर सके। तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे हमारे नीचे के साइड में मार्किंग हो चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियोस नहीं देखा तो मैं जरूर यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा हमारे
कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियोस देख लें यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से हमें हेल्प करती है हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करना, ये जो हमने आपको बताया, और हमारे एक व्यू को, चाहे पॉजिटिव व्यू हो या फिर नेगेटिव व्यू हो, उसको कन्फर्मेशन देने में बहुत ज़्यादा जो हमें हेल्प करता है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे अब हमारी मार्किंग जो हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता ताकि दोनों साइड का हमें डेटा जो क्लियरली देखने मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4400 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है 4385 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 4416 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हो जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 4362 का, उसके बाद क्या था 4337 का, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 4444 का, उसके बाद क्या था 4474 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट है एक्सपेक्टेड है 4416 से लेके 4444 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो है देखने मिले। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो स्टॉक अभी भी जो है यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव में थोड़ा सा चल रहा है, तो और भी जो है वो गिर सकते हैं, कॉशियसली काम करें स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा। बाकी आपको क्या लगता है यहाँ पे मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमारा थोड़ा सा अभी भी पॉजिटिव साइड में जो क्लोजिंग का एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे आपको क्या लगता है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।